Hi everyone, welcome back to my channel PowerPoint Professional PPP. Today I am going to discuss about the main emission from thermal power plants और उसके effects के बारे में और कैसे emission का control करेंगे और कुछ emission standard norms है और कुछ guidelines है जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India ने set करके दिया है, तो उसके ऊपर discussion करेंगे. ठीक है, तो ये काफी informative video है, तो video को पूरा देखिए. और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो बनाता हूँ जो आपको बीओई के एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा. तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कोल कंबसन के वजह से क्या क्या एमिशन होता है. नाउ द मेन एमिशन फ्रॉम कोल कंबसन आर CO2, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम लोग SPM बोलते हैं, और मर्करी और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैजर्डस एयर पोल्यूटेंट्स. ओके, ना ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ कंबसन एक्सेप्ट CO2 को छोड़ के ये जितना भी कंबसन का प्रोडक्ट है आर कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट. ओके, ना ऑल ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. ठीक है, इसको कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अभी इसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट इज SOx एंड NOx. ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मल पावर प्लांट में एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए देख लेते हैं. सो व्हाट इज SOx? नाउ ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल कंटेनिंग सल्फर रिजल्ट इन पॉल्यूटेंट ऑकरिंग इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, तो कोल के अंदर जो सल्फर रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ड्यूरिंग कंबशन SO2 और SO3 बनाता है. ठीक है, तो SO2 और SO3 हम लोग टुगेदर साथ में SOx बोलते हैं, सल्फर ऑक्साइड. ओके, ना इट रिएक्ट्स विद वाटर वेपर इन द फ्लू गैस एंड एटमोस्फियर. ठीक है, फ्लू गैस और एटमोस्फियर में जो वाटर वेपर रहता है तो उसके साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. ठीक है, और एज यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. ओके, तो अभी देख लेते हैं कि SOx का इफेक्ट क्या क्या है. ना फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, तो अल्टीमेटली इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. ओके, तो अभी देख लेते हैं कि व्हाट इज NOx. ना नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 टुगेदर कॉल्ड NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, ना इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल एट हायर टेम्परेचर. ना फर्नेस में हायर टेम्परेचर में आपका NOx प्रोड्यूस होता है. ओके, सो NOx का क्या क्या इफेक्ट है ना, ये भी सेम आपका एसिड रेन में इफेक्ट है इसका. ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन कैन डैमेज एनवायरमेंट. ओके, आपका बिल्डिंग भी डैमेज हो सकता है, और आपका ये फॉरेस्ट लेक्स है उसमें भी इसका डैमेज है, और आपका विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, तो कॉजेस ऑन ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो. ठीक है, तो SOx और NOx का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है एनवायरमेंट में, तो इसको कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, ना इट इज ए मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स. इट इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बन एंड ऑक्साइड्स एंड एनी अनकम्बस्टेड एलिमेंट इन द फ्यूल. ओके, इट इज वेरी कोरोसिव एंड टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंड वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ना, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, इरिटेशन इन आईज, नोज एंड थ्रोट. ओके, तो पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ PM2.5 एंड PM10. तो ये PM2.5 और PM10 क्या चीज है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है. ठीक है, और जो PM10 है उसमें पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, तो ये दोनों ही काफी डेंजरस है फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, सो इसको कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अभी तक मैंने डिस्कस किया SOx के इफेक्ट्स के बारे में, NOx के इफेक्ट्स के बारे में एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के इफेक्ट्स के बारे में. सो इसको कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको कंट्रोल कैसे करेंगे. ना SOx कैसे कंट्रोल करेंगे, ना रिमूवल ऑफ SO2 फ्रॉम फ्लू गैसेस. फ्लू गैसेस से SO2 को रिमूव करके हम लोग SOx कंट्रोल कर सकते हैं बाय FGD सिस्टम, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम. ठीक है, अभी गवर्नमेंट से भी आपका ऐसा रूल्स आ रहा है कि आपको कंपलसरी FGD इंस्टॉल करना ही पड़ेगा. ठीक है,
उसके बाद क्या कर सकते हैं, ना यूज ऑफ लो सल्फर कोल, ना सल्फर कंटेंट कोल में जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो लो सल्फर कोल हम लोग यूज करके सॉस कंट्रोल कर सकते हैं। टॉल स्टेक, ना जितना मतलब आपका चिमनी का हाइट, ओके। तो इसके बाद में जो एमिशन स्टैंडर्ड के जो नॉर्म्स है तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा चिमनी का हाइट कैसा होना चाहिए। तो आपको चिमनी का हाइट ज्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका सॉस कंट्रोल होगा। रिमूवल ऑफ सल्फर, तो सल्फर अगर कोल में नहीं रहेगा तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सब मेथड यूज करके हम लोग सॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद देखते हैं कि नॉक्स कंट्रोल कैसे करेंगे। ना रिडक्शन इन टेम्परेचर इन कंबसन जोन, तो नॉक्स कहां पर प्रोड्यूस होता है, ना हाई टेम्परेचर जोन पे ड्यूरिंग कंबसन नॉक्स प्रोड्यूस होता है, वहां पर आपका टेम्परेचर रिडक्शन करके हम लोग नॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन रेसिडेंट टाइम्स इन कंबसन जोन एंड यूजिंग लो नॉक्स बर्नर, तो अभी जो नया नया बॉयलर्स आ रहा है तो इसमें लो नॉक्स बर्नर जो ऑलरेडी डिजाइन है तो उसके हिसाब से आपका नॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाय यूजिंग प्रॉपर कंबसन टेक्निक, ओके। एंड एफबीसी बॉयलर, तो एफबीसी बॉयलर में आपका सॉक्स और नॉक्स ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। तो ये सब मेथड यूज करके हम लोग नॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कैसे कम कर सकते हैं। ना बाय इंस्टॉलिंग ESP और CFBC बॉयलर में साइकिल सेपरेटर रहता है तो उसमें आपका SPM कम होगा, और बाय यूजिंग बैक फिल्टर डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। सो ये सब मेथड यूज करके हम लोग सॉक्स नॉक्स और SPM कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट आर द एमिशन स्टैंडर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करके दिया है और कुछ गाइडलाइंस के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। जो एमिशन स्टैंडर्ड लिमिट है इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करके दिया है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चार मेन पैरामीटर है वो है पर्टिकुलेट मैटर, सॉक्स नॉक्स एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो जो यूनिट 31 दिसंबर 2003 से पहले कमीशनिंग हुआ था सो उसके लिए लिमिट है 100 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। और जो यूनिट 2004 से 31 दिसंबर 2016 के बीच में कमीशनिंग हुआ था सो उसके लिए लिमिट है 50 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। और जो 1 जनवरी 2017 के बाद कमीशनिंग हुआ है तो जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो है 30 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। अभी सॉस का लिमिट क्या है, ना 31 दिसंबर 2003 से पहले जो कमीशनिंग हुआ था उसके लिए जो 500 मेगावाट के नीचे यूनिट है उसके लिए 600 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और जो 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से ज्यादा है उसके लिए 200 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। और जो यूनिट 2004 से 2016 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले कमीशनिंग हुआ है उसके लिए है 600 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और जो 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से ज्यादा है उसके लिए है 200 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। और जो यूनिट 1 जनवरी 2017 के बाद कमीशनिंग हुआ है उसके लिए है 100 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी नॉक्स का लिमिट क्या है, ना जो 31 दिसंबर 2003 से पहले कमीशनिंग हुआ था उसके लिए है 600 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और जो 2004 से 2016 31 दिसंबर के बीच में कमीशनिंग हुआ है उसके लिए है 300 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। और जो 1 जनवरी 2017 के बाद हुआ है उसके लिए है 100 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ओके। तो अभी मर्क्यूरी क्या देख लेते हैं, ना जो 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है तो उसमें जो 500 मेगावाट से नीचे यूनिट है उसमें नील है, ठीक है, और जो 500 मेगावाट और उससे ज्यादा है उसमें है 0.03, ठीक है। जो 2004 से 2016 31 दिसंबर के बीच में जो कमीशनिंग हुआ था उसके लिए है 0.03 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और जो 1 जनवरी 2017 के बाद कमीशनिंग हुआ है उसमें लिमिट है 0.03 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है,
आपको ये बीओई के एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आप कहीं पर भी पावर प्लांट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे सो उसमें भी आपको ये सब लिमिट पूछता है, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को आप याद रखिए, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं कि चिमनी का हाइट एज पर एमओईएफसीसी के गाइडलाइन के हिसाब से कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। जो पावर जनरेशन कैपेसिटी जो यूनिट जो पावर प्लांट का लेस देन 200 या 210 मेगावाट से कम है, सो उसमें हम लोग स्टैक का हाइट कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना। एच इक्वल टू 14Q × 0.3, सो वेयर क्यू इज एमिशन रेट ऑफ SO2 kg पर आवर, ठीक है। और एच इक्वल टू स्टैक हाइट, सो 200 मेगावाट या 210 मेगावाट से नीचे जो पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी है उसमें हम लोग स्टैक का हाइट ये फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 210 मेगावाट से 500 मेगावाट के नीचे है सो उसके लिए स्टैंडर्ड है 220 मीटर्स, तो 220 मीटर्स का चिमनी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो 500 मेगावाट एंड अबव उसके हायर कैपेसिटी यूनिट्स है उसके लिए स्टैंडर्ड है 275 मीटर्स का स्टैक का हाइट होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ गाइडलाइंस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारा क्वेश्चंस बीओई के एग्जाम में आते हैं, सो इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और भी कुछ गाइडलाइंस है तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है द स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड इफ्यूलेंट्स, ठीक है। जो फाइनल डिस्चार्ज इफ्यूलेंट्स है उसमें जो मेन पैरामीटर है वो है पीएच एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो पीएच का लिमिट कितना है ना, 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए पीएच, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो मोर देन 10 डिग्री सी देन इंटेक वाटर टेम्परेचर, ठीक है। सो ये दो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर फाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो है गाइडलाइन फॉर फाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। जो फाइनल इफ्यूलेंट है वो कहां पर डिस्चार्ज करना है सो उसके लिए भी एक गाइडलाइंस है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज मे बी सिलेक्टेड इन कंसल्टेशन विथ कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज, ठीक है। तो स्टेट अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करके आप फाइनल डिस्चार्ज पॉइंट सिलेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर वाटर कंजप्शन, कि आपके प्लांट में वाटर कंजप्शन कितना है उसका भी एक न्यू गाइडलाइंस है। न्यू प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2017 के बाद जो भी पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ है उसमें शैल हैव टू मीट स्पेसिफिक वाटर कंजप्शन अप टू मैक्स 2.5 मीटर क्यूब पर मेगावाट आवर, ठीक है, एंड अचीव जीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये भी एक गाइडलाइंस है, ओके। तो अभी नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लाई ऐश का जनरेशन होता है उसका भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लैंड रिक्लेमेशन, रोड फिलिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और बिग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लाई ऐश जाना चाहिए, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कि आई होप ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था और आपको ये काफी हेल्प करेगा बीओई एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो लेके आता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।